अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के दो लोगों को उमरियापान पुलिस ने 6 घंटों में किया गिरफ्तार। बुधवार को थाना उमरियापान में SDOP सलीमा नाबाद मोनिका तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि थाना उमरियापान क्षेत्र के ग्राम खामा निवासी पीड़िता लक्ष्मीबाई पति सोनू चौधरी के दिनांक 17 मई को थाना उमरियापान में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो व्यक्तियों के द्वारा लकवा की दवाई देने व रकम को जादू से दोगुना करने का झांसा देकर 15,000 रुपये एवं 5,000 रुपये पृथक लेकर 4 पहिया वाहन से भाग गए। सूचना प्राप्त हुई थी आवेदिका लक्ष्मीबाई पति सोनू चौधरी के द्वारा कि दो लोग उनके घर दवाइयां देकर और नकली नोट उनके जो थे वो लेकर चले गए हैं, जादू नोटों को दुगना करने का झांसा देकर नोट लेकर चले गए हैं, जिस पर थाना उमरियापान में अपराध पंजीबद्ध करके थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित करी गई, जो पता चला कि शाहनगर पन्ना के रहने वाले दो आरोपी इस तरीके का जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो गांव के भोले भाले लोगों को जाकर झांसा देते हैं और उनका जो भोलापन है उसका फ़ायदा उठाकर उनके पैसे, जैसे कुछ पैसे ले लिए फिर उन पैसों को केमिकल का यूज़ करके उनको दुगना करने और इस तरीके का झांसा देकर उनके पैसे लेकर भाग जाते थे, जिससे कि इस पर अपराध क्रमांक 171 पंजीबद्ध करके 420 और 327 की कायमी करी गई है और दोनों आरोपियों को शाहनगर पन्ना से लाकर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कोई ऐसे लोग आए हैं या इस तरीके की कोई लोग आपके गांव में भटकते दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके सामान्य गांव के नहीं हैं और बाहर के कहीं से आए हैं या डेरे, कोई नए डेरे आपके गांव के आसपास लग गए हैं, क्योंकि हाँ तो वो तुरंत अपने जो निकटतम पुलिस थाना है उसको सूचना दें, क्योंकि ये जो दो लोग जिनको हमने पकड़ा है जो इस तरीके के नोटों को डबल करने की ठगी करते थे, उनका भी यही था कि साधु का भेष बनाते थे, भोले वाले लोगों को जाते थे फिर उनसे बोलते थे कि हम आपका पैसा नहीं है तो हमें पैसा हम डबल भी कर सकते हैं, हम आपको जड़ी बूटी दे देंगे तो आप ठीक हो जाओगे, तो लोग क्या है कम पैसे और पैसे को दुगना करने की लालच में आकर उनको अपने जितने पैसे रहते थे वो भी दे देते थे और वो पैसे लेके भी गायब हो जाते थे। तो